टैलेंट्स फॉर सोसाइटी टावर। तो जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं कि सोसाइटी टावर आ चुका है, और वैसे ये वीडियो कल आने वाली थी बट मैं थोड़ा सा लेट हो गया। तो गाइस अगर आप इस टावर को गोल्ड कैरेक्टर्स के साथ क्लियर करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके पास एटलीस्ट यूजर 9 और 10 के गोल्ड होने चाहिए। हालांकि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको गोल्ड कार्ड के साथ इस टावर को क्लाइम करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा ड्रामाटाइजिंग है। 180 के बाद के बैटल्स बहुत ही ज्यादा हार्ड है। ऐसा नहीं है कि आप क्लियर नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। और ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने गोल्ड कैरेक्टर्स के साथ इस टावर को क्लाइम किया है। तो अगर आप गोल्ड कैरेक्टर्स यूज करने वाले हैं तो आपके पास एटलीस्ट फ्यूजन 9 और 10 के गोल्ड होने चाहिए, वो भी चैलेंज गोल्ड कैरेक्टर्स, जैसे जॉनी केज हो गया, या कॉम्बैट कप सोनिया ब्लेड, या क्लासिक सोनिया ब्लेड, या केसी केज। ऐसे कैरेक्टर्स आपके पास होने चाहिए। अगर आप चाहें तो बैटल 100 तक जा सकते हैं। अगर आपके पास फ्यूजन 5 या 6 के गोल्ड भी है ना, तो भी आप 100 तक पहुंच जाइएगा। हालांकि थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो गाइज आप इस टैलेंट को सेट कर सकते हैं। मैंने डिफेंस में थोड़ा ज्यादा फोकस किया है, वो अलग बात है कि मैं इस टैलेंट को यूज नहीं कर रहा हूँ, मैंने अलग टैलेंट सेट करके रखा है, आप यहाँ देख सकते हैं टैलेंट नंबर 1। और मेरा टैलेंट बहुत ज्यादा अलग है क्योंकि मेरे पास मैक्स आउट डायमंड है, इसलिए मैंने डिफेंस के ऊपर ज्यादा फोकस किया नहीं है। तो ये मेरा टैलेंट है। वैसे एमके मॉल वालों ने टैलेंट्स के अंदर ये चीज काफी सही की है कि आप अपने टैलेंट को सेव करके रख सकते हैं और जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पूरा टैलेंट रीसेट करने के बाद सेट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और ऐसा आप किसी भी टैलेंट को सेट कर सकते हैं और हटा सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। और ऐसा जरूरी नहीं है गाइस कि इस टैलेंट के साथ आप पूरा टावर क्लाइम कर सकते हैं। कुछ ऐसे बैटल्स आएंगे जिनके अंदर रेजोरेक्शन होगा, डिस्क्लेमर में, जिसमें होगा क्या कि अपोनेंट आपके मरने के बाद फिर से जिंदा हो जाएंगे। तो उस बैटल के लिए गाइस आपको डेथमार्क टेक्निक को यूज करना होगा, और डेथमार्क टेक्निक आपको ऑफेंस के एंड में मिल जाएगा। अब डेथमार्क टेक्निक करता क्या है? डेथमार्क टेक्निक से क्या होता है ना गाइस कि अपोनेंट रेजोरेक्ट नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका टर्मिनेटर हो गया, या जैसन, या क्वांची अगर अपोनेंट टीम में है तो कैरेक्टर रिवाइव नहीं हो पाएगा। अगर आप ओपोनेंट को एक बार मार देंगे डेथ मार्क अप्लाई करने के बाद तो वो रेजोरेक्ट नहीं हो पाएगा, और इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो आज की वीडियो को गाइस मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और फिर मैं आपसे मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ।